हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित। आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल मैडी मिनाटी। आज का टॉपिक है ड्राइवरों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो 15, 16, 17, 18 एंड 10, 11, 12, 13 ये जो उम्र होती है, इस उम्र के बच्चों के अंदर ना आग रहती है। आग तो हर किसी के अंदर रहती है, बट ये आग कुछ ऐसी होती है कि बता नहीं सकते। तो जब इन बच्चों के हाथ में गाड़ी आ जाती है, तो ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ लग गई है जिसको हम उड़ा के भगा के सबसे जीत जाएंगे और कोई भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपनी गलती करके भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में होता है एक्सीलेटर, तो हम उसको सामने वाले को कुछ भी गलत बोल के छू हो जाएंगे। तो मेरा ये बोलना है भाई कि जब आप गाड़ी चलाते हो, चलो ठीक है आपने गाड़ी चलाई, किसी बुजुर्ग गाड़ी चला रहा है, तो आपका फ़र्ज ये बनता है कि उनको निकल जाने दें, क्योंकि आपके हाथ में एक्सीलेटर है, आग है, तो आप स्पीड में निकल जाओगे। बट उनको पहले निकलने दें और उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उस बुजुर्ग से बोलते हो, अबे बुढ़ापे साइड में हट, अबे अंधा है क्या, अबे चश्मे, अबे ये, अबे वो, काफ़ी ऐसे लैंग्वेज और काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो मैं काफ़ी सुनता हूँ, बट देखता हूँ, लोग मुझे बताते हैं और काफ़ी मेरी आंखों के सामने भी ऐसा हुआ है। तो भाई, अगर उसकी जगह, बुजुर्ग इंसान की जगह अगर कोई जवान होता या आपकी हम उम्र होता, तब क्या होता, सोचा है कभी? जिस तरीके से आपके दिल में आग है ना, उसी तरीके से उसके हाथ में स्टेयरिंग है, उसके हाथ में भी आग है। आपकी जो दो पहिए की गाड़ी है, वो आप भुर भुर करके निकल जाते हो, बट एक ड्राइवर के हाथ में बहुत जिम्मेदारी रहती है, आपको बचाना, खुद गाड़ी सेफ चलाना, काफ़ी रिस्पेक्ट रहती है, काफ़ी जिम्मेदारी रहती है, काफ़ी वो इज्जत करता है आप लोगों की। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 17, 18, 15, 16, 13, 11, 12, जो नई नई उम्र के बच्चे चलाना सीख जाते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करें, हर किसी को गलत ना बोलें, क्योंकि अगर आप ही के बराबर का बंदा कोई बड़ी गाड़ी चला रहा होगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा गाइस। ये एक सत्य बात है, वो उतर के आपसे लड़ने लग जाएगा, बहस करने लग जाएगा, और इसमें गलती आपकी ही कहलाई जाएगी, क्योंकि जो दो पहिए वाले गाड़ी वाले बंदे चलाते हैं, वो एकदम इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। मेरे सामने ही बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्सीलेटर फुल रहता है और भर 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 करके ऐसे गाड़ी चलाते हैं गाइस, तो ये ठीक नहीं है। अपनी भला, अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते हो, पर अपने माँ बाप से तो प्यार करो, उन लोगों से तो प्यार करो जिनने आपको जन्म दिया। वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये तो सोचो। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आपके माँ बाप की, आपकी फैमिली की, आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? तो बस इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि हर उस ड्राइवर की रिस्पेक्ट करो जो कि गाड़ी चलाता है, और अपने से बड़े इंसान की रिस्पेक्ट करो जो बुजुर्ग है और वो गाड़ी चला रहा है। जवान को तो एकदम आप बोल दोगे तो वो आपसे लड़ लेगा, तो उसका टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने मुझे बोला, मैंने इसे बोला, बात ख़त्म। आप उस पर दो हाथ उठाओगे, वो आप पे दो हाथ उठाएगा, बराबर बात कर देगा। बट जब किसी बुजुर्ग के बारे में बात आती है, तो वो आपसे लड़ता तो नहीं है, बट वो कहता है जाने दो बच्चे हैं। तो अगर आपके दिल में जरा सी भी प्यार, उम्मीद और नफ़रत नहीं है, प्यार है, उम्मीदें हैं और नफ़रत नहीं है, तो आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करो, और अगर आपको जगह मिलती है तभी आप रास्ता क्रॉस करो, वरना आपको चोट लग सकती है, सभी को चोट लग सकती है, दर्द सभी को हुआ। इसलिए हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस भी बंदे को अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो कमेंट में बोला कि भाई अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्या मैंने इस वीडियो में गलत बात बोली? मैंने सिर्फ यही बोला है कि हर उस ड्राइवर की रिस्पेक्ट करो गाइस जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आराम से गाड़ी चलाते हैं और जो सिटी में गाड़ी चलाते हैं, एंड रिस्पेक्ट करो, बस गलत मत बोलो। क्योंकि हमें तो ये मालूम है, क्योंकि आपके हाथ में एक्सीलेटर जो मिला है, वो एक पावर है, उस पावर की उम्मीद बहुत होती है, क्योंकि एक भुर्र में आप बहुत दूर तक जा सकते हो उस बुजुर्ग इंसान को गाली बक के। वो आपके पीछे नहीं बढ़ेगा, बट वो कहेगा जाने दो बच्चे हैं, जाने दो बच्चे। बस यही मेरा मकसद था कि हर किसी ड्राइवर से रिस्पेक्ट से बात